hello everyone uh, as you all know we are having this birthday series of prominent writers around the globe so today on the birth anniversary of mahasweta devi we are going to have a lecture on uh, the important works uh, the contribution of her in literature as well as uh, in the society uh, this lecture is uh, going to be really important from the perspective of ugc net and uh, different set Examinations in uh, specifically in English. So, Mahashweta Devi, born on this day in 1926 in Dhaka, uh, mm -hmm. she was a famous Indian Bengali writer. She was a social uh, activist, social and political activist. And so, she was the receiver of uh, Janpit Award, Padmashti, Padma Vipushan, many more of such accolades are there to her credit. Uh, this video, I hope this video is going to help you uh, in understanding more of her and uh, give you uh, an overview of uh, how and uh, what she wrote and uh, what contribution of hers lies uh, in the realm of literature. Thank you. In continuation of the birthday series from writers around the globe, today we are going to discuss Mahashweta Devi. A famous Indian Mangali writer and socio-political activist, best known for her work Mother of 1084. This lecture is presented to you by Roshni Vasudev Bhutara, Assistant Professor English, SBK Government PG College, Jaisalmer. This lecture is going to be bilingual. Mahashrita Devi was born on January 14, 1926 in Dhaka. Both her parents had literary interests, so she had literature in her blood. Apart from being a writer, she was also a socio-political activist. जब हम बात करते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जहाँ पर भी कोई एक्टिविस्ट कुछ लिख रहा है तो उनके वर्क्स में आपको सोशल कंसर्न उनके वर्क में आपको एक मैसेज उनके वर्क में आपको उन लोगों की आवाज़ें ज़रूर मिलेगी जिनको अब तक या तो सुना नहीं गया है या जो अब तक वॉइसलेस रहे हैं या जो अब तक मार्जिनलाइज रहे हैं तो इनके वर्क्स में भी हमें वो सारी वॉइस देखने को मिलती है जिनको सोसाइटी ने अब तक एज पर रखा है मार्जिनलाइज रखा है और जिनको अभी तक वॉइस नहीं दे पाई है शायद सोसाइटी या सोसाइटी के जो कंस्ट्रक्ट है तो ये अपने वर्क्स में ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करती हैं विमेन की बात करती हैं बहुत सारे ऐसे आ, ऐसी वॉइसिस को ये बाहर निकालने की कोशिश करती हैं जिनको अब तक आ, सेंटर में लाकर नहीं सुना गया है स्टार्टिंग फ्रॉम हर फेमस वर्क फॉर विच बेस्ट नोन दैट इज़ हज़ार चौरासी माँ या फिर मदर ऑफ़ वन थाउजेंड एटी फोर इसमें वॉट इज़ वन थाउजेंड एटी फोर वन थाउजेंड एटी फोर इज़ बेसिकली द कॉप्स नंबर ऑफ द मदर मदर्स सन मदर कौन है सुजाता उनके बेटे हैं ब्रति और उनका कॉप्स नंबर है वन थाउजेंड एटी फोर कॉप्स नंबर क्यों है ये क्योंकि ये एक एक्टिव नक्सलाइट मेंबर हैं व्रति सुजाता के बेटे व्रति एक एक्टिव एक नक्सलाइट मेंबर हैं और इनकी डेथ हो जाती है इनके एक्टिव, एक्टिविटीज़ के दौरान इनकी डेथ हो जाती है और इनके कॉप्स का नंबर है वन इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे इसके अलावा इनका एक वर्क है रुदाली इसके अलावा इनका एक वर्क है अरण्यर अधिकार जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1979 में हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हज़ार चौरासी माँ इसके ऊपर 1993 में इसका सिनेमैटिक जो डिपिक्शन है वो हो चुका है यानी इसके ऊपर मूवी बन चुकी है और रुदाली इसके ऊपर 1998 में मूवी बन चुकी है हम बात करते हैं कि इनको और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इनको शी इज़ द रिसीवर ऑफ़ पद्म विभूषण शी इज़ द रिसीवर ऑफ पद्मश्री इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ अवस्क पुरस्कार ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं और भी इनके जो भी पुरस्कार हैं इसके बारे में हम आगे इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे बात करते हैं कि शी वर्क फॉर द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ कोर्स इन्होंने आ, मैंने जैसे कि आपको बताया अगर ये एक सोशल अगर अगर ये सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो ऑब्वियसली ये उन लोगों के राइट्स के बारे में बात करेंगी जो अभी तक सोसाइटी में या तो मार्जिनलाइज हैं या जिनको इग्नोर किया गया है या जिनको दबाया गया है जो किसी न किसी तरीके से टॉर्चर हैं जो किसी ना किसी तरीके से दबे हुए हैं जो डाउन ट्रोडन है ये उनके बारे में बात करती हैं ये उनके बॉक्स में हमें देखने को मिलता है ना कि सिर्फ और सिर्फ़ ये लिटरेचर में उनके बारे में बात करती हैं अपने वर्क्स में बल्कि ये ग्राउंड पर जाकर उनके लिए काम भी करती हैं इन्होंने एम छत्तीसगढ़ और बिहार इनके रीजन्स में जाकर फील्ड में इन लोगों के लिए काम किया है इनके बेटरमेंट के लिए इसके अलावा जो पुअर फार्मर्स हैं जिनकी आ, जिनकी लैंड एनकॉचमेंट्स हुए हैं या फिर जिनसे जिनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इनजस्टिस हुआ है रिगार्डिंग द लैंड तो ये उनके लिए भी फील्ड पर जाकर काम करती हैं तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ये हमें ध्यान रखना है और इनके जो वर्क्स हैं लिटरेचर में भी हमें ये दिखता है और इनके रियल लाइफ में भी हमें ये दिखता है शी इज़ द शी वॉज फर्स्ट राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड एट द हैंड ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन ब्लैक मूवमेंट नैलसन मंडेला ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहली राइटर हैं जिनको नेल्सन मंडेला जो कि खुद एक पोलिटिकल लीडर और जिन्होंने खुद रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत आवाज उठाई उनके थ्रू उनके हाथों से इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उनको इनको रिसीव हुआ यहाँ पर एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वुमेन हु

लाइंस फ्रॉम फेमस फिल्म फिल्म सॉन्ग मेरा जूता है जापानी बाय राज कपूर तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने इसलिए नहीं कि सीधे उससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ताकि हम डॉट्स कनेक्ट कर सकें कई बार अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होती है तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स है ना जैसे कि अगर हमें ये पता है कि किसके सिनेमैटिक डिपिक्शन की जब बात आई कि इनके ऊपर ये मूवीज़ इनके वर्क्स पे ये मूवीज़ बन चुकी है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ, आ सकता है जिससे हम ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये एक राइटर है जिनकी इस में और इस ईयर में इनके सिनेमेटिक डिपिक्शंस हुए हैं तो हम वी तो कैन कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ ये और ये राइटर इनके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं और ये ऐसे राइटर्स हैं जिनके वर्क्स पे मूवीज नहीं बनी बन हैं बात करते हैं आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक हैज ट्रांसलेटेड देवीज शॉर्ट स्टोरीज इंटू इंग्लिश एंड पब्लिश थ्री बुक्स लेट मी टेल यू हीयर कि महाश्वेता देवी जो है इन्होंने ओवर हंड्रेड नॉवेल्स लिखी है इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इसके अलावा भी शी हैज़ अ वास्ट एरेना ऑफ वर्क टू हर क्रेडिट तो ये सारा जो बुक है जैसे कि मैंने बताया कि शी शी वॉज प्राइमरीली अ बंगाली राइटर वो प्राइमरीली का जो लैंग्वेज है वो बंगाली है बेसिकली शी शी इज़ अ रीजनल राइटर लेकिन उनके वर्क्स ट्रांसलेट हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में और उसमें से इनके तीन ट्रांसलेशन्स जो कि उन्होंने ट्रांसलेट किए गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक इनको हम लिटरेरी थ्योरी में बार बार पढ़ते हैं जब हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं तो हम गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक को बार बार पढ़ते हैं शी हेज़ ट्रांसलेटेडी देवीज शॉर्ट स्टोरीज इन टू इंग्लिश एंड पब्लिश थ्री बुक्स अब वो 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 थ्री बुक्स कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इमेजनरी मैप्स ओल्ड वुमेन एंड द बेस्ट स्टोरीज़ ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये तीन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पैवक और तो यहाँ पर आप इसको इम्पॉर्टेंट करके और याद रखेंगे मस्ट नो अबाउट गायत्री गायत्री स्पाइवक मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात करते हैं तो गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उनके ऐसे उनका ऐसे कैन द सब एल्टन स्पीक नाइनटीन ये हमें बार बार हमारे सामने आता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में स्पाइवक द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्मऑफ टेम्पररी ग्रुप सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सोशल एक्शन अब स्ट्रैटेजिक असेंशियलिज्म क्या होता है स्ट्रेटेजिक असेंशियलिज्म का मतलब है कि एक स्पेशल कॉज के लिए एक स्पेशल पर्पज के लिए एक तरीके का टेम्प्रेरी ग्रुप क्रिएट करना जो कि एक पर्पज़ के लिए काम करता है ये ऐसा ही है इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन आपके कॉलेज में या स्कूल में कहीं कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है और एक ग्रुप ऑफ पीपल को बना दिया गया कि आपको इस एनुअल फंक्शन के सारी चीज़ों को एक अच्छे से करना है तो अब वो जो ग्रुप ऑफ़ पीपल है उसका स्पेशल पर्पस क्या है कि एनुअल फंक्शन अच्छे से होना चाहिए बस वैसा ही कुछ है अगर हम किसी सोशल कॉज के लिए किसी सोशल एक्शन के लिए अगर एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म अब हम बात करते हैं हट ट्रांसलेशन ऑफ एंड इंट्रोडक्शन टू जैक दरिदास डी ला ग्रेमेटोलॉजी एज ऑफ ग्रेमेटोलॉजी 1967 जिन लोगों ने अभी लिटरेरी थ्योरी पढ़ी है या जिसको थोड़ा बहुत भी लिटरेरी थ्योरी के बारे में पता है उसे ये पता है कि जैक दरिदा कितना इंपॉर्टेंट नाम है वेन इट कम्स टू डी और डी जो कि रिलेटेड है सीधा जग दरिदा से उन्हीं के वर्क को ट्रांसलेट किया है गायत्री चक्रवर्ती पाएवाक ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी से और ये क्वेश्चन कई बार यू जी सी नेट में आया है एज इट इज भी आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अदर वर्ल्ड्स ऐसे इन कल्चरल पॉलिटिक्स ये इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है uh, ये बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड क्योंकि गायत्री चक्रवर्ती इस पैवक और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी दे गो हैंड इन हैंड राइट अब हम बात करते हैं मेजर नॉवेल्स किन की मेजर नॉवेल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाश्वेता देवी की मेजर नॉवेल्स की झांसी रानी पब्लिश इन नाइनटीन बायोग्राफी फर्स्ट नॉवल ये इनकी फर्स्ट नावल है बेस्ड ऑन अ बायोग्राफी ऑफ रानी ऑफ झांसी तो ये झांसी रानी की बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है ट्रेन टू पाकिस्तान अच्छा झांसी रानी जो है वो 1956 में पब्लिश है एक बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है अब इससे रिलेटेड एक नोट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो एक पार्टीशन नॉवल है खुशवंत सिंह की वो, वो भी 1956 में पब्लिश है और ट्रेन टू पाकिस्तान जब हम बात करते हैं पार्टीशन नॉवल्स की उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान और जब हम बात करते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये जो इंडिपेंडेंस के बाद में भी दी ड्रामा ऑफ पार्टीशन ये सब चीज़ें हमें ट्रेन टू पाकिस्तान में दिखाई देती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विच वॉज पब्लिश नाइनटीन तो ये सेम ईयर में पब्लिश है झांसी रानी उनकी फ़र्स्ट नावल और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान बात करते हैं जो इनका सबसे बेस्ट नोन वर्क है मदर ऑफ़ हजार चौरासी या फिर वही मदर ऑफ़ वन थाउजेंड एटी फोर जो कि नाइनटीन सेवेंटी फोर में पब्लिश्ड एक नॉवल है ये नक्सलाइट रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया ये बात करती है किसके ऊपर बात करती हैं जो अभी तक डाउन ट्रॉडन हैं या वो लोग जो रिबेल हो चुके हैं ड्यू टू तो सर्टन इनजस्टिस विद डेम या फिर वो लोग जिनको अभी तक सुना नहीं गया है ये उन लोगों के बारे में बात करती हैं उनके उनकी जो थाट प्रोसेस है उनके जो उनके जो सोचने के तरीके हैं उनके बारे में बात करती हैं और ये जो मदर ऑफ़ थाउजेंड एटी फोर है ये एक नक्सल नक्सलाइट जो रिवॉल्यूशन है ठीक है उसके ऊपर बेस्ड है इसकी प्रोटेकोनिस्ट कौन है सुजाता सुजाता इज दी मदर इस टाइटल में मदर कौन है सुजाता 1084 क्या है 1084 की वो मदर है और 1084 एक कॉप्स नंबर है जो उनके बेटे का है और उसका नाम है व्रति ठीक है आगे हम देखते हैं अरण्यक अरण्य अधिकार 1979 में पब्लिश है राइट टू दी फॉरेस्ट अब देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ जो हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रही है वो इतने होते हैं कि वो दूसरे जो के एलिमेंट्स हैं उनको कई बार मार्जिनलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर हमें द टच ऑफ इको क्रिटिसिज्म भी दिखाई देता है हम बात करते हैं रुदाली की रुदाली रुदाली की प्रोटोकोनिस्ट कौन है सनीचरी रुदाली आगे आएगा इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे Uh, इसके अलावा भी इनके कुछ वर्क्स हैं आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं जैसे कि आउटकास्ट uh, इसके अलावा डस्ट ऑन द रोड इसके अलावा आर नॉन वेज काओ दी बुक ऑफ हंटर ये इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करते हैं मदर ऑफ़ थाउजेंड एटी फोर ये पब्लिश कब हुई है 1974 में देखिए कई कई बार जो ईयर्स होते हैं ना वो डॉट्स कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं है ना कभी कभी मान लीजिए क्रोनोलॉजी आ गई या फिर किसी किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्सक्लूड करना है, है ना अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो कई कई जगह पे अगर आपको कुछ ईयर्स क्लिक हो जाते हैं तो आप के लिए एलिमिनेशन इजी हो जाता है, है ना द मदर ऑफ़ थाउजेंड एटी फोर इट इज़ पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी फोर नाइनटीन सेवेंटी फोर में पब्लिश है ये थीम क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मदरहुड ग्रीफ एंड एक्टिविज़म इन कंटेम्प्ररी इंडिया नक्सलाइट्स इन दि नाइनटीन सेवेंटीज़ बंगाल मैंने आपको बताया कि ये इसमें देखिए सारी चीज़ें मदरहुड मदरहुड सीधा सीधा वुमेन वुमेन एंड दी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो वुमेन की साइकी में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है एज अ मदर उनकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी ग्रीफ इफ शी इफ अ मदर इज़ सींग हर चाइल्ड डाइंग अगर एक माँ को ये दिख रहा है कि उन ना हर चाइल्ड इज डेड तो ये ये जो ग्रीफ है इसका जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो हमें देखने को मिलता है कि मदर ऑफ थाउजेंड एटी फोर में एक्टिविज्म ऑफकोर्स उनकी डेथ कब हुई है वो ड्यूरिंग दैट एक्टिविज्म द एक्टिव रोल दैट ही प्लेड ड्यूरिंग दैट मोमेंट तो वो व्रति की उसमें डेथ हुई है और ये सारी थीम्स हमें मदर ऑफ थाउजेंड एटी फोर में देखने को मिलती है इसके चीफ कैरेक्टर्स कौन कौन है सुजाता जो कि ऑफकोर्स मदर हैं व्रति जो उनके बेटे हैं टाइटल वन रेफर्स टू कॉप्स नंबर ऑफ ब्रति देखिए जब ही वन समन इज डेड

फॉर हर वहाँ पर समन हु इज लाइंग देयर डेड इज हर सन द ये ग्रीफ मदरहुड कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एक्टिविज्म जो कि जिस एक्टिविज़्म ने साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा पुष्ट किया उनकी मदर को ये ये सारा हमें देखने को मिलता है किसमें मदर ऑफ थाउजेंड एटी फोर में अ क्रॉनिकल ऑफ पेन Centers around Sujata, the mother of a son who has become a naxalite, a radical leftist guerrilla fighter, and has been killed by the police. He has been killed by the police. He has become what? He has he has become a radical leftist guerrilla fighter, a naxalite. Or when he dies, uh, see, he can be a radical fighter. He can be a naxalite. But for a mother, for a mother, he. इज हरसन तो हम ये देखते हैं कि नक्सलाइट ही कैन बी फॉर पीपल फॉर पुलिस ही कैन बी समन हुई हुईज क्रिएटिंग ऑल द डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी बट फॉर द मदर ही विल अल्टीमेटली बी हर सन तो उसका जो ग्रीफ है आफ्टर सीइंग हीज लाइंग देयर डेड तो ये ग्रीफ एड्रेस करता है कौन सा वर्क ये ग्रीफ एड्रेस करता है मदर ऑफ वन थाउजेंड एटी फोर अब हम बात करते हैं अरण्य अधिकार की अरण्य अधिकार, राइट टू द फॉरेस्ट वॉज अबाउट द लाइफ ऑफ बिरसा मुंडा तो ये बिरसा मुंडा की लाइफ के बारे में है इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रिलीजियस लीडर एंड फोक हीरो बिलोंग टू द मिडिल मुंडा ट्राइब तो ये बिरसा मुंडा के बारे में है जो कौन है वो एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं और एक रिलीजियस लीडर हैं फोक हीरो बिलोंग टू दी मुंडा ट्राइब ये उनके बारे में बात करती हैं इस वर्क के लिए इन्हें 1979 में क्या मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पता होने चाहिए कि किन किन को मिले हैं कौन से वर्क्स के लिए मिले हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेट के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए बात करते हैं रुदाली की एक ये एक फेमिनिस्ट दलित लॉ है मैंने आपको बताया कि ये उन सेक्शंस के बारे में बात करेंगी जो सेक्शंस अभी तक अनहर्ड हैं या जिनको अभी तक सेंट्रल वॉइस नहीं माना गया है तो जब हम बात करते हैं विमेन विमेन एक ऐसा फैक्टर है सोसाइटी का जिस जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत बात किया जाना ज़रूरी है और व्हेन इट कम्स टू यू नो व्हेन वी रीड लिटरेरी थ्योरी देर आर पीपल जो कि डबल मार्जिनलाइज्ड है ना जिन जिनका डबल मार्जिनलाइजेशन हुआ है एक तो आप वुमेन uh, ऊपर से यू आर दलित सो दिस इज द डबल मार्जिनलाइजेशन है ना जैसे कि हम कहते हैं कि twice removed from reality when poetry is twice removed from reality so this is double marginalization one you are belonging to to the gender jo ki jisko by default aapne marginalized kiya hai bahut sari jagah pe and the other is you are dalit hai na aap dalit hain to तो वैसे भी सोसाइटी ने आपको marginalized किया है तो it एक ek uh, famous kya hai feminist dalit novel hai ye it shows zeal of subaltern women to survive द सब एल्टन सब एल्टन कौन है द सब एल्ट आर द दैट डोंट हैव देयर वॉइज जिनके अभी तक कोई वॉइस नहीं है और शोज जील ऑफ सब एल्टन वुमेन टू सर्वाइव अब उन उनकी जो जील है टू सर्वाइवल ये रुदाली दिखाती है ये किसके अराउंड एक पुअर वुमेन है जिसका नाम क्या है सनी शनिचरी के अराउंड ये आ, रिवॉल्व uh, करती है ये uh, ये जो वर्क है ये जो नॉवल है और शनिचरी क्योंकि शी वॉज बॉर्न ऑन अ सैटरडे शी इज़ कंसिडर्ड एज एन अनलकी दिस इज़ द सुपरस्टिशियस सोसाइटी बेसिकली शनिवार को हुआ है तो ऐसा होता है मंगलवार को ये मत करो सो इंडियन सोसाइटी हैज सर्टेन सुपरस्टिशंस और इसके बेसिस पे क्योंकि शी वॉज बॉर्न ऑन अ सैटरडे एंड दैट इज़ वाई शी वॉज नेम्ड शनिचरी तो सनी चली ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो एक एक्टिव और स्टेटफास दलित तो है अब यहाँ पर आपको समझना है कि व्हेन यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल आप जब ट्रेडिशनल चीज़ों से हट जाएंगे तो ऑफ़ कोर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा विचार डिफ़िकल्ट uh, जब तक आप लीग पे काम कर रहे हैं जब तक आप एक सर्टे जब आप जब तक आप लीनियर हैं तब तक आप एक्सेप्टेबल हैं द मूमेंट यू डाइवर्ट फ्रॉम द लाइन द मूमेंट यू डिवियट फ्राम द लीनियर पोजिशन वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं सो so, क्योंकि वो एक्टिव हैं और स्टेटफर्स्ट दलित वमेन हैं, वो एक प्रोफेशनल मॉर्नर हैं प्रोफेशनल मॉर्नर का मतलब है कि uh, एक uh, ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप प्रोफेशनली जाके रोते हैं अगर किसी की अगर कोई डेथ uh, हो गई है कुछ हो गया है तो आप रिच uh, लोगों के यहाँ पे वन हु वेल्स एंड मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ एनी वन शी इज़ हायर फॉर मॉर्निंग बाय द रिच पीपल तो रिच पीपल जो है uh, वो उसको हायर करते हैं फॉर द कॉज ऑफ मॉर्निंग है ना उसको मॉर्न करना है जाके uh, अगर किसी की डेथ हो गई है तो द स्टार्टिंग ऑफ द नॉवेल शोज द डेथ ऑफ अर मदर एंड लॉ डाइन विद द क्राई गिव मी फूड तो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग है बहुत ही हिटिंग है कि उन इस नोवेल की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है इनकी जो मदर इन लॉ है द डेथ ऑफ आर मदर इन लॉ विद क्राई गिव मी फूड तो ये इसके बारे में आप और अच्छा जाके पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाट आर देंट्रल थीम्स हाउ दे आर रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड ऑल दीज प्रोफेशनल मॉर्नर्स डू दे स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी और नॉट यू यू मस्ट गो एंड रिसर्च है ना इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं तो ये हमने देखा रुदाली के बारे में और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मूवी भी, भी बनी है नाइनटीन नाइनटी एट आप चाहें तो वो मूवी भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं तो आपको इसके बारे में और जानने को मिलेगा कमिंग टू द नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं द्रौपदी द्रौपदी एक शॉर्ट स्टोरी है मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोलिफिक राइटर है महाश्वेता देवी इज़ अ प्रोलिफिक राइटर अब जो राइटर प्रोलिफिक है तो उसके वो डिफरेंट डिफरेंट दे विल राइट नोवेल दे विल राइट शॉर्ट स्टोरी दे विल हैव समवर्ड कमेंट्रीज तो ये हैं प्रोलिफिक राइटर हैं तो इनके भी बहुत सारे बुक्स हमें देखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं द्रौपदी के बारे में द्रौपदी एक शॉर्ट स्टोरी है द्रौपदी इज अ रीटेलिंग ऑफ कास्ट ऑपरेशन एंड पुलिस फॉरस्ट ऑफ झारखंड वर एम्प्रॉइड इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट दिस्टम ऑफ लैंड क्रैप एंड लेबर रिजाइन अब बेसिकली एक मॉडर्न रीटेलिंग है दिस इज अडर्न रिटेलिंग अब मॉडर्न रीटेलिंग क्या होता है हम द्रौपदी की जब बात करते हैं तो हम अगर माइथोलॉजी में जाएंगे हम हमारी स्टोरीज में जाएंगे तो द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो वही कौरव और पांडव और जिस तरीके से उनका ऑपरेशन होता है पर मॉडर्न वर्ल्ड में जो ऑपरेशन होता है वो एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं होता है लेकिन ऑपरेशन इज़ स्टिल ऑपरेशन ठीक है तो मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑपरेशन है उसमें आपको डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन मिलेंगे किसी 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 कि, का जेंडर के बेसिस पे कहीं आपको कास्ट के बेसिस पे कहीं आपको क्लास के बेसिस पे यू नो आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट दैट पीपल फेस इन इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो यहाँ पर साइकोलॉजिकली वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द ऑपरेशन दैट शी द्रौपदी फेस्ड बैक देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड द ऑपरेशन दैट वी वी इन वी एज पीपल आर फेसिंग हेयर इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ये नाइनटीन सिक्सटी में जो नक्सलाइट जो नक्सल जो ऑपराइजिंग है उस दौरान आ, जो लैंड क्रैब और लेबर रिजाइम का जो एक्सप्लोइटेटिव कल्चर था उस कल्चर के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं मतलब वहाँ पर रिप्रेशन किसका हो रहा है रिप्रेशन हो रहा है वो लोग जो सर्टिन कास्ट से आते हैं उनका ऑपरेशन किया जा रहा है ठीक है और उन लोगों वो ऑपरेस्ड हैं और उनके ऑपरेश ऑपरेशन को शो किया गया है उनके स्ट्रगल को शो किया गया है द्रौपदी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू और उसकी उसके जो मेन कैरेक्टर है हमारे पास कौन है द्रौपदी मैझन तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश्ड है बाय महाश्वेता देवी बात करते हैं द लिटरेरी वर्क्स ऑफरिंग क्लिम्स ऑफ दी नक्सल मूवमेंट्स आर मैंने आपको बताया कि डॉट्स ऐसे ही कनेक्ट होते हैं अगर आप एक नक्सल नक्सलाइट मूवमेंट पे बेस्ड एक वर्क पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसे ही डॉट्स के ये ये कुछ और इसी जॉनरा के वर्क्स हैं जो इसमें कनेक्ट होते हैं है ना तो ये हमें पता होना चाहिए जैसे कि हम देखते हैं चुम्फा लहरीका लाहिरिका द लो लैंड रोहिंतन मिस्ट्री द अ फाइन बैलेंस उपमण्यू चैटर्जी इंग्लिश ऑगस्ट अरविंद दडिगाज द वाइट टाइगर नील मुखर्जी इज द लाइव्स ऑफ अदर्स अनुदिति रॉय इज़ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड वॉकिंग विद द कॉम्रेड्स अब ये सारे वर्क जो है ये सब इन सब में कहीं ना कहीं आपको नक्सलाइट मूवमेंट और उनकी जो क्लिम्सिस हैं वो देखने को मिलती है बट दे विल ऑल बी डिफरेंट फ्राम वन अन अदर यही तो यहाँ पर चैलेंज होता है कि इनके बारे में पढ़ना ये एक दूसरे के एक दूसरे से डिफरेंट कैसे एंड हाउ दे कम डाउन टू दिस पॉइंट दिस दिस नक्सलाइट मोमेंट दिस साइकोलॉजी हाउ इट वर्कस ये सारी चीज़ों पर ये कैसे नैरोडाउन होते हैं यही रिसर्च का पॉइंट है नेक्स्ट इनके कुछ अच्छा महाश्वेता देवी की तो हमारे पास है ही मदर ऑफ थाउजेंड एटी फोर एंड द्रौपदी शॉर्ट स्टोरीज़ कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है अग्निगर्भ है मूर्ति है अग्निगर्भ नाइनटीन सेवेंटी एट मूर्ति है नाइनटीन सेवेंटी नाइन इसके अलावा हमारे पास निरित मेघ है नाइनटीन इसके अलावा हमारे पास है सत्यदायनी नाइनटीन छोटी मुंडा इबोंग तरतीर नाइनटीन और कुछ वर्क्स मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर भी बताए हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अवार्ड्स की बात करते हैं इनके पास में जैसे कि आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड पद्मश्री पद्म विभूषण जानपीठ ज्ञानपीठ अवार्ड रमन मैक्सेसे अवार्ड सार्क लिटरेरी अवार्ड और बंग विभूषण ये सारे अवार्ड्स हैं अब जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन भी हम चेक कर सकते हैं पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं द फॉलोइंग राइटर्स आर इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविज्म इन एडिशन टू देयर प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग मैंने आपसे कहा कि शी वॉज नॉट ओनली अ क्रिएटिव राइटर बट अ सोशल पोलिटिकल एक्टिविस्ट शी वॉज अ एक्टिविस्ट और इनका एक्टिविज्म आपको फील्ड में भी देखने को मिलेगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है माँ श्वेता देवी और अरुन्धति रॉय ये बिल्कुल ही ईजी um, क्वेश्चन था टू क्रैक उसके अलावा हम देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अवार्ड रिसीव बाय महाश्वेता देवी अगर हमने ऊपर इनके अवार्ड्स देखे हैं तो हमें अभी पता चल जाएगा रमन मैक्सो अवार्ड बिल्कुल इनको मिला है जैनपीठ अवार्ड बिल्कुल इनको मिला है पद्मश्री बिल्कुल इनको मिला है लेकिन इनको क्या नहीं मिला है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इनको नहीं मिला है तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ सो दिस वॉज इट फॉर दिस